कल दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना तो लखीमपुर खैरी में हुई, और ही जो है हमारे देश का जो स्टेट होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा, उसके बेटे ने जो किसान अपनी मांग कर रहे थे, जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से भाजपा का विरोध कर रहे थे, उस विरोध को उस मंत्री के बेटे ने उस विरोध से सबक लेने की बजाय उनको सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया। गाड़ी पलटी, पलटने से उसका कोई ड्राइवर भी मरा बताते हैं, और भाजपा इससे पला झाड़ रही है। मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था, मंत्री का बेटा नहीं था तो गाड़ी कैसे ली? और गाड़ी अगर शांतप्रिय ढंग से कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जाकर के गाड़ी उन पर चढ़ाई की। पुलिस जब रोक रही थी, पुलिस ने सबको उस साइड में जाने से मना किया था, उसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गाड़ी उस भीड़ में लेकर के गए। वहाँ बेकसूर जो किसान थे, जो पिछले 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ, उनको कुचलने का काम किया। उसके लिए तुरंत जो है मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और मंत्री और मंत्री के बेटे के खिलाफ केवल FIR नहीं, उनको अरेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे इससे दूसरे लोगों को सबक मिले। कोई होम मिनिस्टर देश का अगर बन गया तो उसको ये अख्तियार किसी ने नहीं दिए कि वो बेकसूर लोगों की जान ले रहे। होम मिनिस्टर का काम है कानून व्यवस्था को ठीक तरह से बना करके रखना, ना कि लोगों में दहशत फैलाना। वहीं एक कल की और घटना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों के बीच में जिस तरह से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की बात करी, जिस तरह से माहौल खराब करने के लिए, प्रदेश का भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बोल बोले, जो बात मुख्यमंत्री ने कही, जो कल से सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है और आज के अखबार भी उस खबर से भरे पड़े, गवर्नर को, महामहिम को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जहां मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो, वहीं जैसे करनाल के SDM के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी आई, उसी तरह से इसके खिलाफ भी जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती कि वो अपने लोगों से कहे कि आप भी एक एक जिले में 500-500 लोगों को लठैत तैयार करो, और जो शांति से आंदोलन चला रहे लोग हैं, जहां पुलिस से उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहीं अब ये अपने लोगों से भी उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है।
इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, इस्तीफा नहीं देता तो गवर्नर को इसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने पिछले जो इसका टर्म था, पिछले जो इसके 5 वर्ष थे, उस वक्त भी 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। इसके खिलाफ कार्रवाई तो तभी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो और सीमाएं ला देने का काम कर रहा है। अब तो हर हालत में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR लोड। इस मुख्यमंत्री की मैं तो उसी दिन भाषा समझ गया था कि हमारे प्रदेश को बर्बाद करने में ये बड़े फैसले लेगा। इसने विधानसभा में ये कहा था एक दिन कि हम तो जोड़ा लेकर के आए और जोड़ा लेकर के चले जाएंगे। जिस व्यक्ति की सोच इतनी छोटी होगी जो ये कहेगा कि मेरा काम तो केवल जोड़ा लेकर के आना था और जोड़ा लेकर के जाना है, उससे हम प्रदेश के लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये प्रदेश की भलाई के लिए कभी कोई अच्छी सोच रख सकेगा। वहीं आज JJP पार्टी से हिसार से विधानसभा का चुनाव संदीप जी ने लड़ा था, जितेंद्र श्योराण ने। आज इन्होंने JJP को अलविदा कह करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। एक पटका लेके आवे, पार्टी की तरफ से तो प्रत्याशित तय हो गया। नामांकन पत्र कब दाखिल करेंगे? आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि JJP के पास, BJP के पास 17 लोगों ने अप्लाई किया टिकट के लिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई वो खबर पढ़कर कि 17 लोग टिकट मांगने वाले हैं, जबकि कल ज्वाइन कराया गोविंद को। तो इसका मतलब सीधा है कि भाजपा झूठ बोल करके कहीं अपने आप को बचाना चाहती है। एक भी सिंगल आदमी ने इनकी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। अगर किसी ने अप्लाई किया होता, कोई इनकी पार्टी का होता यहाँ पे टिकटार्थी, तो फिर इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। गोविंद को इम्पोर्ट किया कि नहीं किया है? और गोविंद ने भी पटका किससे पहरा है वो बड़ी हैरानी की बात है। कोई आदमी आज आपके सामने जितेंद्र पार्टी ज्वाइन कर रहा है, आज इनको ज्वाइन कराने वाले हम 2 लोग, एक तो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव है राणा साहब और दूसरा मेरे पास भी पार्टी की एक अहम जिम्मेवारी है, मैं पार्टी का महासचिव हूं। एक ज्वाइनिंग तो ये है और एक ज्वाइनिंग गोविंद की है। ये गोविंद का अपमान है कि नहीं है? उसका अपमान किया कि नहीं किया BJP वाला? चलो ज्वाइनिंग तो बंद में करो खुले में करो, लेकिन अपमान तो है कि नहीं यही बताओ पहले। हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ वो आपके बीच में था कल सबके। हमने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार थोपने की बात नहीं करी। मैंने तो इस्तीफा भी लोगों के कहने से दिया था और अब चुनाव में हूं तो भी लोगों के फैसले के मुताबिक। कल आपने देखा था किस तरह से हजारों लोग जो है मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, और कल उन हजारों लोगों ने ये बात कही कि हम ही लड़ेंगे तेरा चुनाव सारा। रोज देखते हैं बेचारे। मुख्यमंत्री तो कहता है बोले लठ उठा लो, और लोगों ने घरों में चौपड़ के रख रखे। पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था
एक लट के ऊपर लिखा हुआ था, हम आपके इंतजार में हैं, इलाहाबाद में आपका स्वागत करेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, वो देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो मेरे पास है, सोशल मीडिया में पड़ा है। काफी चले जी देखा है, काफी चले देखा तो। लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती जो कल मुख्यमंत्री ने कहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कृषि के तीन काले कानून, मैंने इसी इशू के ऊपर रिजाइन किया था और मैं इसी इशू पे लड़ूंगा। ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर भी लोग इस बात पे मोर लगा करके आएंगे कि हम इन कानूनों को नहीं मानते। धनखड़ को चुनौती दी है चुनाव लड़ने की, क्या उसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो क्या फाइट होगी, क्या क्योंकि एक तरफ मुकाबला होगा? मैंने कहा ना, आन मिलो सजना घरों में रखे हुए हैं, आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ धनखड़ बादली में जाए ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही, गांव में जाए, लोगों से मिले, लोगों को समझाए। कोई भी मिनिस्टर इनका कार्यक्रम बना करके किसी गांव में नहीं जा सकता। लोगों ने सोशल बाइकॉट किया हुआ है।